the age that you're in, ऐसे ही एक there was a guy who went to his boss and he said, sir, I have a goal that all successful leaders, they have goals in mind and if I achieve my goal, I'll be a successful leader. The boss said, yes, you have heard it right. Then he requested to teach me how to achieve goal. The boss said, yes, yes, I'm ready. I'm glad that you're asking this. What is your goal? He said, I don't have any goal as of now. कोई goal नहीं है. आप मुझे सिखा दो. The boss ने कहा, ऐसा नहीं होता. पहले मुझे बताओ क्या goal है. उसके बाद मैं सिखाऊंगा. उसने कहा, नहीं, sir, you teach me fundamentals. I'll do the rest. Any point of time, I have any goal, I'll achieve that by using your principles. बॉस ने कहा, ऐसा नहीं होता, कभी भी आप गोल बनाओ मुझे बताओ, फिर मैं आपको बताऊंगा. अच्छा, वेन ही वॉज एडमेंट, कह रहे, सर आप तो सिखाना ही नहीं चाहते. तो बॉस ने फिर उसे कहा, ठीक है, कल सुबह 5 बजे इंडिया गेट पे मिलो. अच्छा, दिसंबर का महीना, कड़ाके की सर्दी, कोहरा बड़ा जबरदस्त. पहुंचा 5 बजे शाम. बॉस ने कहा, वेरी गुड, यू आर ऑन टाइम. कह रहा, थैंक यू सर. बॉस ने पूछा, आर यू रेडी? कह रहा, यस. बॉस ने कहा, कैन यू सी दैट बल्ब? उसने कहा, यस आई डू. Your job is to run, touch that bulb and come back. How many minutes should it take? He thought for a while. He said, 15 minutes. He said, I'll do it. All the friends were, everybody cheering out, all the best, all the best, all the best. Bhaga. Everybody is waiting now. 15 minutes have come, I haven't. 20 minutes have come, I haven't. After half an hour, a very long time. He took a look at the garden, चेहरे में मुरझा हुआ, सारे घर के खड़े हो गए. फिर क्या हुआ, गिर गया ना क्या? कोई जवाब नहीं. फिर सबने पूछा, बल्ब कुछ हुआ? कोई जवाब नहीं. कभी बॉस को देखे, कभी नीचे. सो एवरीबडी कुड मेक आउट कि सीनियर के सामने कुछ नहीं कह रहा है. जैसे ही सीनियर लेफ्ट, अगेन एवरीबडी गेट आउट. फिर क्या हुआ बता तो, 15 मिनट भी ले गया था, आधा घंटा हो गया, कहाँ रुका? फिर यार, बेवकूफ ट्रैक्टर के पीछे दौड़ा दिया. फिर ट्रैक्टर के टेल लैंप थी, उसको बल्ब समझ बेटा, कोहरे में दिखा नहीं. मैं दौड़ता या ट्रैक्टर दौड़ती गई. यू माइट हैव सीन, आई हैव विटनेसेस, ऑल लीडर्स आर वेरी पर्पसफुल. ट्रैक्टर के पीछे की दौड़ नहीं होती. लीडर्स कैन बी राइट और दे कैन बी रॉन्ग, दे आर नेवर कंफ्यूज्ड. एंड आई बिलीव इन दैट, कॉन्फिडेंट वॉकिंग इज फार बेटर देन कंफ्यूज्ड रनिंग. चाहे स्लो हो इंसान, लेकिन अगर चल रहा हो, इतना बहुत है. For that, all leaders are very decisive people. It's not that they have clarity all the time, they are confused. Maybe, but their aim is for decision. जितने भी स्कूल कॉलेज की हमारी पढ़ाई होती है, आप मुझे सोच के बताना, all school and colleges, they make us obedient or genius. स्कूल कॉलेज में ज्यादातर किस बच्चे की तारीफ होती है, मतलब क्या बनाते हैं, obedient या genius? Obedience is a powerful virtue. Dedication है, devotion है, preparation है, hard work है. Obedient people may have decision making skill also, but normally it has been seen obedient बच्चों में decision making है. कई बार जैसे चाय की ब्रेक होती है, रिफ्रेशमेंट, जैसे 12:20 की आपकी ब्रेक थी, कई लोगों को पूछो चाय पी लोगे? कह रहे, नहीं चाय नहीं पी, पी लो. कहते, आप कहते तो पी लेते. सर, चाय पे भी डिसीजन अपना नहीं होता कई लोग, क्योंकि लोगों को लगता है कि आप डिसीजन लो, हमें बताओ हम क्या करें, हम कर रहे हैं. तो दिस पीपल आर रियली सक्सेसफुल, बट अनफॉर्चुनेटली दे कैन नॉट बिकम इफेक्टिव लीडर्स. पहले लगता था कि लीडर वो है जिसके पास फॉलोअर होते हैं. आजकल कुछ भी करो, लोगों के पास फॉलोअर हो जाते हैं. आप किसी ने इंटरनेशनल स्लोगन दिए तो उसके फॉलोअर हो गए. कोई बीच चौराहे पे एक टांग पे खड़े हो जाए 2 घंटे, उसके भी फॉलोअर हो जाएंगे. अच्छा, कोई फेसबुक में फेक अकाउंट खोले, उसके भी फॉलोअर हो जाते हैं. फॉलोअर होना इज नॉट अ मार्क ऑफ लीडर. लीडर्स दे क्रिएट मोर लीडर्स, नॉट फॉलोअर्स. लीडर्स को लीडर्स बनाने के लिए डिसीजन मेकिंग इज वेरी वेरी एसेंशियल. एक प्रोग्राम में करा था, एक सॉफ्टवेयर कंपनी, तो ऐसे ही लोग बैठे हुए थे. I just wanted to check the decision making so that I could write. So when I climbed on the stage, I took out a 500 rupee note. मैंने कहा, कोई भी आए ले जाए, 500 रुपए का नोट है, मैं 60 सेकंड पकड़ूंगा. सारे देखने लगे.
दस बीस सेकंड के बाद एक कोई नया लड़का था, मैं भी न्यू रिक्रूटी 20-22 साल का, दौड़ता हुआ आया, स्माइलिंग, चौपी, एनर्जेटिक, क्लाइंब ऑफ द स्टेज, एरा कैन आई टेक इट? मैं कह, यस इट इज योर्स. नाम पूछा, कांग्रेचुलेशन की, लोगों ने ताली बजाई, जाके बैठ गया. चार लोग मेरे पहले लाइन पे बैठे थे. मैंने एक से पूछा, मैं कह, सर एक बात बताओ, यू शुड हैव बीन द फर्स्ट पर्सन टू कम एंड ग्रैब दिस. आपने क्या सोचा, आप कितनी आए स्टेज के सबसे नजदीक थे. कह रहे तबर जी, मैंने सोचा आप खाली दिखा रहे हो, दोगे. मैंने कहा अच्छी बात है. मैंने भी दूसरे से पूछा, मैंने कहा आपने भी सोचा. कह रहे नहीं सर, मैंने सोचा मैंने इसे किया ही क्या, मुझे 500 दो. फिर मैंने तीसरे से पूछा, मैंने कहा यू हैव बीन वेरी क्विक, यू रिस्पॉन्डेड इमीडिएटली, आपने क्या सोचा. कह रहे ईमानदार से बताऊं सर, मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने सोचा चला जाता हूँ, देगा तो ठीक है, नहीं तो वापस हो जाऊंगा. अब दिस डिसीजन मेकिंग ऑब्वियसली विद अ कैलकुलेटेड रिस्क, दैट इज व्हाट मेक्स ए करेजियस लीडर. योर लीडर्स क्रिएट मोर लीडर्स. क्योंकि लीडर्स को पता होता है कि आई कैनॉट अफोर्ड टू बी कंफ्यूज. मैं डिसीजन लूंगा, हो सकता है सही हो सकता है गलत. अच्छा, लीडर्स दे कनेक्ट फर्स्ट एंड करेक्ट लेटर. माँ बच्चे के साथ क्या करती है, कनेक्ट करती है. बाप बच्चे के साथ ज्यादातर करेक्ट करता है. Both qualities are needed for a leader because he has to travel a path with right people in a right way. लेकिन उससे पहले माँ बच्ची के साथ भी करेक्ट करती है. करेक्ट इतना कर देती है माँ कि करेक्शन का दर्द थोड़ा मिनिमाइज हो जाता है. 7 साल का बच्चा दूध का ग्लास फेंक रहा है, नहीं पी रहा है. माँ का समझाने का तरीका और बाप का लीड करने का तरीका, they are entirely different. माँ समझाएगी बेटा दूध नहीं पी रहा है, बच्चा कहता नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं पीऊँ. माँ कहती कोई बात नहीं छोड़ दे, लेकिन तो तेंदुलकर बनेगा ना. जब बच्चा जाता है मोटिवेटेड होकर, तेंदुलकर दूध पीते हो ना. माँ कहती और क्या, तू पिएगा तू भी बनेगा तेंदुलकर, बाकी तेरी मर्जी. बच्चा कहता दो, जब बॉर्नविटा मिला, चीनी मिला, बच्चे को दे दिया, टारगेट अचीव. माँ ने क्या किया, कनेक्ट किया. अब वही चीज बाप समझाएगा, पता है दूध कितने लीटर आती है, 40 रुपए लीटर आती है, तू नवाब का नजर रखा. बच्चा मुझे क्या कह दिया जी, अपने फिर हो रहा है. अच्छा, बाप अभी भी अकड़ में बैठा होता है, गलत क्या है. दूध 40 रुपए लीटर है, नसीब नहीं होता लोगों को, गरीब रेखा के नीचे लोग मर रहे, पढ़ा लिखा आदमी परसेंटेज भी बता दे, इतने परसेंटेज लोग मर रहे, उसके बाद ही मदद नहीं करता. अच्छा, बाप को समझाना पड़ता है कि तुम्हारे ना टेक्निकल नॉलेज बहुत अच्छी है, लीडरशिप नहीं हो रही है उसके, बिकॉज यू वॉन्ट टू मोटिवेट पीपल टू डू समथिंग. माँ को हो सकता है ज्ञान हो कि 40 रुपए लीटर है, गरीबी रेखा के नीचे मर रहे हैं, लेकिन माँ ने उसी तरीके से समझाया जिस तरीके से लोगों को समझ आ रहा है. इम्प्रेस, लीडर्स डू नॉट इम्प्रेस, दे एक्सप्रेस इन अ पर्टिकुलर वे सो दैट पीपल स्टे मोटिवेटेड. प्राइमरी स्कूल का टीचर जब ए फॉर एप्पल समझाता है, इसका ये मतलब नहीं उसको ए में और कोई शब्द नहीं आते, लेकिन वो ए फॉर एप्पल इसीलिए समझाता है क्योंकि बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़े एंड ही वुड बी ईगर टू लर्न मोर. अगर मेरा बच्चा मेरे पास आए कि पापा ए में कोई शब्द बताओ क्या होता है, मैं कहूं बेटा ए में तो भंडार है कि बहुत शब्द, क्या क्या बताऊं. वो कहेगा मैं पहले कंफ्यूज था, ये पहले से और कंफ्यूज है, इज नॉट द राइट पर्सन टू आस्क. क्योंकि अगर मुझसे कोई पूछ रहा है ए फॉर, मैं ए फॉर कोई एक शब्द तो बताऊं, दैट मे बी द बेस्ट आंसर, दैट मे नॉट बी द बेस्ट आंसर, बट आई शुड प्रोवाइड एन आंसर. कनेक्ट पहले करेक्ट बाद में. आपने देखा होगा हिंदुस्तान में पहले के डॉक्टर्स होते थे, दे वेर लीडिंग इन अ करेक्ट वे. थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे, मुस्कुराएंगे नहीं. कई लोग देखे मुस्कुराते नहीं है, बिकॉज दे फील इफ आई एम करेक्ट आई शुड नॉट स्माइल बिकॉज आई हैव बीन टेकन लाइटली. मैंने कई लोगों से पूछा, मैं कहा मुस्कुराते नहीं हो, घर पे भी नहीं मुस्कुराते. कह रहे नहीं सर घर पे भी नहीं मुस्कुराते. मैं कहा मुस्कुरा के देखो, कह रहे आप लास्ट टाइम भी आए थे सर 6 महीने पहले, आपने कहा था हम हंसे इस बात में. मैं क्या हुआ, कह रहा आपने कहा था जी मुस्कुराओ खुशी खुशी घर जाओ. मैं कहा हम कहा, कह रहे सर जब से मैं मुस्कुराने लगा सर बीवी की डिमांड बढ़ गई, कह रहे बच्चे फरमाई से और करने लगे, कह रहे मुझे सीरियसली लिए था नहीं लोगों ने. कहा तो क्या है, बिकॉज दे डू नॉट नो हाउ टू कनेक्ट, दे बिलीव इन करें. तो पहले डॉक्टर से प्रेस्क्रिप्शन भी लिखवाते थे, हम डॉक्टर से पूछ भी नहीं पाते थे कि ये रात को खानी है, सुबह खानी है, लंच के पहले या लंच के बाद, वो केमिस्ट से जाकर पूछते. आजकल आप देखोगे द डायनामिक्स हैव चेंज्ड, पीपल हैव नोन ग्रेजुअली दैट कनेक्ट इज द पावर. करेक्ट तो गूगल भी कर देगा, गूगल पे करेक्ट इंफॉर्मेशन मिलेगा, वी डोंट नीड अ पर्सन टू डू दैट, गूगल कैन डू इट फार बेटर.
ऐसे आप देखोगे कनेक्ट जो डॉक्टर करते हैं, इनके पास 4 साल के बच्चों के ले जाओ वैक्सीनेशन के लिए, ये सर वो वैक्सीनेशन के लिए आती है, इंजेक्शन लगवाने से पहले 5 सवाल पूछेगा वो डॉक्टर कि बेटा कौन से क्लास में पढ़ते हो, नाम क्या है, दोस्तों के नाम क्या क्या है, टीवी में कौन से प्रोग्राम देखते हो। जब तक बच्चा जवाब दे इंजेक्शन दे दी कि दर्द हुआ था, कह रहे नहीं नहीं ठीक है जी, ऐसा दर्द तो हुआ होगा लेकिन डॉक्टर ने क्या किया, कनेक्ट किया। हम भी कंफर्टेबल होते हैं कि जब इसी डॉक्टर के पास जाओ, बच्चा भी खुश, हम भी खुश, अच्छा है। कनेक्ट इज वेरी एसेंशियल, वेरी वेरी एसेंशियल। कनेक्ट के साथ अगर करेक्ट हो जाए सुने पे सुहागा, लेकिन खाली अगर कनेक्ट हो और उसके रिश्ते बन जाए उसके बाद आसान है। आप सोच के देखो, जैसे साबुन लगाने का क्या उद्देश्य होता है, मतलब क्यों लगाते हैं, एज ए लेमैन अंडरस्टैंड क्या उद्देश्य होता है, सफाई। अगर साबुन सीधा रगड़ दो किसी पे, साबुन दर्द और है। ये जो कंपनी के पॉलिसीज, सोसाइटी के रूल्स, लॉ, रेगुलेशंस, रिचुअल्स, ये सारे साबुन है, हैंडेड डाउन टू अस। किसी ने दिया है, पंडित दे देता है ये साबुन, या सबको करना है इसे। स्कूल में गए टीचर दे देते हैं साबुन, पेरेंट्स दे देते हैं साबुन। सीधा साबुन किसी पे रगड़ो तो दिक्कत होगी, पहले पानी फिर साबुन फिर पानी। पानी इज कनेक्ट, साबुन इज कनेक्ट। जितनी भी आप पढ़ाई करोगे, ये साबुन मिल रहे हैं आपको या पानी मिल रहा है। द मोर नॉलेजेबल यू आर द मोर सोप यू विल हैव, यस नो? इट डजंट मीन कि सीधा रगड़ दो किसी पे जाके, सीधा भी रगड़ो तो बड़ी मुश्किल है। कनेक्ट पहले, करेक्ट बाद। लीडर्स क्यों कनेक्ट करते हैं, इनकी एक बेस फिलॉसफी होती है, दे फील पीपल आर डिफरेंट नॉट डिफिकल्ट। आम आदमी को जब लगता है कि नहीं ये इंसान बड़ा डिफिकल्ट है, द मोमेंट आई फील दैट दिस पर्सन इज डिफिकल्ट, द ओनली रीजन इज ट्रूथ जो है वो है आई डू नॉट नो हाउ टू हैंडल इट। ब्रेटली का बॉल तेंदुलकर को डिफिकल्ट लगेगा या डिफरेंट लगेगा, डिफरेंट। प्रवीण कुमार को एब्सोल्यूट प्रिपेयरनेस अगर है और मैं इंटरेस्टेड हूं। कोई हॉबी आपकी है, जैसे आपके तो जरा से स्पोर्ट्स में कितने अच्छे अच्छे लोग हैं जिसको स्पोर्ट्स आती है, जैसे प्रिया से मैंने बात की है, एक्चुअली मैं मतलब शी इज अ नेशनल। अच्छा, मेरे लिए वो डिफिकल्ट स्पोर्ट है। कोई गाना गा रहे हैं उनके लिए वो बड़ा डिफरेंट है, मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट है। तो ओनली थिंग इज ईदर आई एम नॉट इंटरेस्टेड और आई एम नॉट कनेक्टेड टू दैट और आई एम नॉट रेडी टू लर्न। लीडर्स को पता होता है लोग डिफरेंट होते हैं, डिफिकल्ट नहीं होते। और अगर डिफरेंट हम समझ जाए, मोबाइल अचानक खराब हो जाए हमारा, हम इस्तेमाल करें अचानक खराब हो जाए, हमारे लिए डिफरेंट है या डिफिकल्ट है? डिफिकल्ट है। जिसको रिपेयर करना आता उसके लिए डिफरेंट है। तबीयत अचानक खराब हो जाए हमारे लिए क्या है? डिफिकल्ट। डॉक्टर के लिए क्या है? बिकॉज दे हैव लर्न्ड। जिस स्ट्रीम में आप हो, कोई साइंस में है, कोई कॉमर्स में, कोई आर्ट्स में, जिस स्ट्रीम में हो, दैट स्ट्रीम इज डिफरेंट टू यू। दूसरे स्ट्रीम की जो पढ़ाई है, उनकी जो सब्जेक्ट है, उनके जो बातें हैं, दे सीम टू बी डिफिकल्ट फॉर यू बिकॉज यू आर नॉट रेडी और यू आर नॉट लर्निंग इट। अगर आप वो सीख जाते तो आपको भी अच्छा लगता है। लीडर्स को पता होता है एक इंसान को मैं नहीं जानता, इसी वजह से मुझे डिफिकल्ट लगता है। और अगर डिफरेंट मान लो तो सीखने का मन करेगा, कनेक्ट करने का मन करेगा। एंड वंस आई कनेक्ट, ऑल द करेक्ट थिंग दैट आई नो और आई वांट हिम टू डू, दैट विल बी एन इजी गेम फॉर मी। आपने देखा होगा सड़क पे एक बोर्ड लगी होती है, कई बार ना कंस्ट्रक्शन जो होता है, एक रास्ता है सोच के मुझे बताना, और आधे रास्ते में बोर्ड लगी है, वर्क इन प्रोग्रेस एक बोर्ड लगा होता है, मैन नॉट वर्क ऐसे लगा होता है। जब वर्क इन प्रोग्रेस बोर्ड देखते हैं हम, आप और मैं अगर ड्राइव कर रहे हैं तो हमारे ड्राइविंग में आप और मैं कुछ चेंज करते हैं, यस और नो? क्या चेंज करते हैं? यस, थोड़े स्लो हो जाते हैं, थोड़े पेशेंट हो जाते हैं, थोड़ा अलर्ट हो जाते हैं। लीडर्स को समझ आता है एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड इज वर्क इन प्रोग्रेस। आप किसी भी इंसान से मिलो, एवरीबडी वर्क इन प्रोग्रेस। आप सोचिए देखो, अगर मैं आज आपको देखूं और आज जो भी आप हैं, जितनी भी आपकी नॉलेज है, जो भी आपकी एक्यूमेन है, मैं उस पर आपको इवैल्यूएट कर, आई वुड बी फुलिश, आई वुड बी स्टूपिड एंड आई वुड बी एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्योंकि मुझे नहीं पता कि यहाँ बैठे हुए जितने लोग हैं वो 5 साल के बाद क्या बन सकते हैं। अच्छा, कई बार खुद को भी नहीं पता होता, लेकिन हम एक इंसान को प्रेजेंट उस पर जज करते हैं, बिकॉज इट इज ईजी फॉर मी टू जज यू एट प्रेजेंट बाई लुकिंग एट योर एक्यूमेन रादर दैन इमेजिनिंग दैट हाउ दिस गाय कैन बिकम समथिंग इन लाइफ। इमेजिन करूंगा तो बड़ा कंफ्यूज थॉट होगी, तो मैं नहीं करना चाहता।
लेकिन अगर आप वर्क इन प्रोग्रेस होते हो तो बड़ा आसान है। मैं कंपनी में था, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कंपनी, वहां पे एक कंसल्टेंट है, ही वाज रिटायर्ड देन ही वाज एक्टिंग एज अ कंसल्टेंट, आई न्यू। तो ऐसे ही बैठे थे, कह रहे तपस जी आजकल ना बड़ा तनाव है। मैं क्या क्यों तनाव है, मैं जानता हूँ। तो मैं कहा आपने बेटे की शादी तो अभी कराई, बेटी की तो 3 साल पहले करा दी थी। मैं कहा सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो खत्म हुई, आराम करो, आपको किस चीज का तनाव है। कह रहे वही तो जी तपस जी, बेटे की जो शादी कराई है, अब बहू आई है, देखो कैसी निकलती है, इसी बात का तनाव। मैंने उनसे पूछा, मैंने एक बात बताओ, ये जो बहू आई है आपके घर में, ये पहले भी कई घरों में बहू रह चुकी है। अरे नहीं नहीं, कैसी बात है। मैं कहा आपके घर में पहली बार बहू बनी। मैं कहा उससे पहले बेटी थी। मैं कहा तो आप उसको सपोर्ट करोगे या जज करोगे। अरे नहीं, सपोर्ट करना चाहिए। मैं कहा अगर ये बहू रह चुकी होती बहुत घरों में ना, यू कुड एक्सपेक्ट रेडीमेड बहू। ये तो है, आप सपोर्ट करेंगे। हाँ सपोर्ट तो करना चाहिए। मैं कहा और आपको भी ना चौड़े होने की जरूरत नहीं, आप भी ससुर पहली बार बने। हाँ बिल्कुल। मैं कहा आपकी जो पत्नी है वो भी सासू पहली बार बने। मैं कहा आपका बेटा पहली बार पति बना। मैं कहा 4 महीने एडमिशन हुआ। मैं कहा अगर 4 एक दूसरे को करेक्ट करना चाहोगे, यू विल फाइंड एम्पल अपॉर्चुनिटी टू डू दैट। लेकिन अगर आप सपोर्ट करना चाहोगे, यू शुड बी वेरी वेरी डिफरेंट। वो कनेक्टिव हो सकता है, क्योंकि लीडर्स को पता होता है एवरीबॉडी इज वर्क इन प्रोग्रेस, लेट्स नॉट जज देम। क्योंकि जजिंग माइंडसेट हमारी बड़ी रोड ब्लॉक की तरह काम करे। लीडर्स दे आर रेडी फॉर चेंज। लीडर्स को पता होता है चेंज तो होना होना, या तो मेरी मर्जी से होगा या तो मेरी मर्जी के बगैर होगा। आप सोचिए देखो, जितने लोग आप में यहाँ बैठे हैं, 2016 और 17 में हमारा बर्थडे आएगा, यह सुन लो, कुछ करने की जरूरत थोड़ी, वो आएगा ही आएगा। लेकिन लीडर्स को पता होता है अगर कुछ चेंजेस में करूंगा या एक्सेप्ट करूंगा, दैट विल मेक लाइफ बेटर। लीडर्स को क्या होता है, उनको समझ आता है चेंज करो, जिंदगी को बेहतर बनाओ, जो जानवर नहीं कर पाते। एक हिरन पैदा होता है, मरता है, उसके लाइफ स्टाइल में कोई चेंज नहीं है, बड़ा हॉरिजॉन्टल लाइफ स्टाइल। फर्स्ट ईयर ऑफ एनिमल लाइफ, लास्ट ईयर ऑफ एनिमल लाइफ, नो सिग्निफिकेंट चेंज। इंसान की जो जिंदगी जैसे शुरू होती है, ऐसे कभी नहीं खत्म होती। इंसान चाहता है, जो लीडर्स चाहते हैं कि मैं अगर इस जिंदगी में आया हूं, आई मेक माय लाइफ बेटर, एंड जो लोग मुझसे जुड़ेंगे इन सम वे आई मेक देयर लाइफ ऑल्सो बेटर। जानवर नहीं सोचते कभी। अब सोच के देखो, हिरन के बच्चे हिरन के फोटो लगा के कभी प्रार्थना करते होंगे कि पिताजी बहुत कुछ करके भेजी जिंदगी में, एंड वी आर ग्रेटफुल फॉर यू, हम आभार प्रकट करते हैं। देखो इंसान कुछ करता है, लीडर्स को बताओ तो मेरे साथ अगर कोई इंसान जुड़ा है और उसकी लाइफ बेटर नहीं हो रही है तो माय लीडरशिप इज फ्यूटाइल, यूज़लेस। लेकिन जानवर में एक अच्छी आदत है जो आप और मेरे में नहीं है, दैट एवरी लीडर शुड अंडरस्टैंड। जानवर आपने कभी सुना है, रणथंभौर के जंगल में एक शेर था, उसको शिकार नहीं मिले 10 दिन तक, उदास होकर दारू पीने के मन में। कभी सुना है कोई गाय को चारा नहीं मिली तो गुटखा की आदत पड़ गई आदमी। जानवर को अपनी जिंदगी को बेटर करना भी नहीं आता, बिटर करना भी नहीं आता, ना ये आबाद कर सकते हैं ना बर्बाद कर सकते। अच्छा इंसान आप और मैं, आप घरों में भी आप और मैं देखें, हमारा मूड अगर अच्छा है, जैसे आपका मूड अच्छा है, तो वे यू टॉक टू योर ब्रदर सिस्टर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड पेरेंट्स टीचर सबके साथ आपके ना एक बातचीत करने का तरीका अलग होगा, क्योंकि आप बेटर फील कर रहे हो, दूसरों को बेटर फील करा रहे हो। अच्छा कई बार जब हमारा मूड खराब होता है, हम दूसरों को भी बेटर फील करा रहे हैं। लीडर्स को पता होता है कि दे हैव टू बी इन राइट मूड इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर फीलिंग्स। उनको पता है माय फीलिंग्स आर नॉट माय मूड, आई गॉट टू हैंडल इट केयरफुली, अदरवाइज मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे खुद को बेटर बनाना है, दूसरों को बेटर बनाना है। अच्छा कई लोग आप देखोगे कॉलेज में ना, कई बच्चे प्यार पीड़ित होते हैं। प्यार पीड़ित मतलब आधा अधूरा, जैसे अनफॉर्चुनेट अफेयर हो जाती है, जवाब नहीं मिला कहीं, तो कई दोस्त होते हैं दे वांट टू लीव। अच्छे जो दोस्त होते हैं, इंटेंशन अच्छे थे, वो चाहते हैं कि इनको ना यहाँ से निकाल दो, तो वो चाहते हैं कि भाई चल एक कहीं मूवी देख के आ जाते हैं, कहीं खाना खा लेंगे बाहर। आप मुझे बताना, अगर ये मूवी देखने चला जाए, खाना खाने चला जाए, दोस्तों के साथ थोड़े घूम फिर आए, मूड बेटर होगा, बेटर होगा, बेटर होगा, दैट इज हाउ दे शुड सपोर्ट द लीडर। लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं, ये कहीं नहीं जाएगा, कमरे में बत्ती बंद करके पंकज उदास के गाने सुन, इसकी साइकोलॉजी है कि मैं अकेला दुखी नहीं हूं, पंकज भी है।
अच्छा लगता है। तो लीडर का जॉब इसीलिए जरूरी है, फर्स्ट यू गॉट टू कनेक्ट, उसके बाद आप करेक्ट करो, उसको चेंज करके बेटर बनाना बड़ा जरूरी है। अगर आपके साथ अगर छोटा भाई छोटी बहन है या टुमारो यू गेट मैरिड और यू आर टॉकिंग टू ए टीचर, अगर आपके प्रेजेंस से किसी के लाइफ बेटर नहीं हो रही है तो उसका मतलब यू आर नॉट लीडिंग दैट, यू आर लीडिंग योर लाइफ, यू आर नॉट क्रिएटिंग एनीथिंग बेटर। अच्छा, लीडर ये क्यों कर पाते हैं कि उनको पता होता है चेंज तो होगा, मेरे साथ होगा या मेरे बगैर होगा, एवरीबॉडी विल सक्सीड विथ मी और विदाउट मी, ये मुझे समझना है। अगर विथ मी करना हो तो आई नीड टू कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली। चेंज कैसे, एक गांव में एक बार एक मुखिया था, मुखिया ने सोचा हाउ शुड आई मेक दिस पीपल लाइफ बेटर, उसने देखा ये सब्जी भाजी उगाते हैं और आसपास के दो चार गांव में बेच आते हैं। अच्छा, जो जाने का जरिया है वो एक छोटी सी नदी होती है, तो नदी में पानी का स्तर इतना होता है, सो दे वुड वॉक, टोकरी वगैरह लेके जाते हैं, तो तीन चार चक्कर लग जाते हैं सब्जियां लेने में, एक टोकरी में दूसरा फिर तीसरा। तो मुखिया ने सोचा कि अगर मैं ब्रिज बनवा दूँ तो इनकी लाइफ आसान हो जाएगी, तो इसने अप्रूवल वगैरह लेके 6 महीने में ब्रिज बना दिया, पीपल स्टार्टेड यूजिंग इट। 2 महीने बाद कंस्ट्रक्शन के यूज के 2 महीने बाद ऑफिशियल इनॉग्रेशन हुआ, तो मुखिया ने प्रेजेंटेशन दिलवाई, जो इंजीनियर्स जिन्होंने काम किया था, तो इंजीनियर्स ने प्रेजेंटेशन दी, ब्रिज की लंबाई चौड़ाई कैपेसिटी मेंटेनेंस सब समझा दिया, ताली बजी, गाने वाने हुए, मिठाई बटी, लोगों ने ताली बजाई। जब समाप्त होने लगा तो मुखिया ने इसको बुलाया, फिर आप में से कोई आओ और आपके गांव में पहली बार ब्रिज बनी है एंड यू हैव स्टार्टेड यूजिंग इट, आप बताओ क्या फायदा हुआ है। तो एक सज्जन आए, मेरे मुखिया जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे गांव में ब्रिज बनाने की अनुमति दी और जब से ये ब्रिज बनी है बहुत फायदा हुआ है, पहले नदी पार करते थे धूप रहती थी, अब छांव रहती थी, मतलब जाएगा नीचे से। कारण क्या है, कईयों को ना एक आदर्श ही हो चुकी है, उनका आदर्श ही है कि ठीक तो चल रहा है। लीडर्स को पता होता है चेंज तो मेरे साथ होगा, मेरे मर्जी से होगा, मेरे बगैर होगा। कारण क्या है, बाकी निगाह ने वो देखिए नेशनल ज्योग्राफिक चैनल का भी, आपको एक सीन बताता हूँ फिर आप मुझे बताना, बड़ा रेकरिंग सीन दिखाते हैं, मैं कई बार देखकर सोचता हूँ। उसमें अफ्रीका में ना हर ये जो मई अप्रैल मई समय आएगा तो जिब्रा जो होते हैं क्रिएट अ फनल इफेक्ट, एक के पीछे सट के चलता है ताकि वाटर कैन पास थ्रू देयर लेग एंड डिस्प्लेस हो जाती है पानी, तो ये प्रोसेस स्लो हो जाता है। 3 महीने तक जिब्रा नदी में नजर आता है, जितने शेर हैं उस वक्त जंगल में सबकी मौज है, सबको पता है मेहनत करने की जरूरत नहीं, सीजन टाइम है, नदी किनारे जाओ पंजा मारो कोई ना कोई आएगा, यू हैव टू वर्क हार्ड डे, रोज रात को ऐसा रोज रात को खाना मिल जाता है, दे आर हैप्पी। 3 महीने बाद जैसे ही माइग्रेशन ओवर, अगेन दे बिकम डेस्परेट, दे नो नाउ दे हैव टू हंट, दे हैव टू सर्च, दे हैव टू बी हंग्री, दे हैव टू रन। मेरा आपसे सवाल है, आपको क्या लगता है, कभी ये शेर बैठ कर सोचते होंगे कि 2015 में 20 ज़ेब्रा हाथ आए थे, इस बार सोच रहे 15% टारगेट बढ़ाते हैं। एनिमल्स दे डू नॉट ग्रो, लीडर्स को पता होता है बाय चेंज आई मीन ग्रोथ, लीडर्स ग्रो, लीडर्स को अगर ग्रो करना है दे नो आई नीड पीपल एंड आई हैव टू बी पर्पसफुल। ग्रोथ तो है, ग्रोथ कैन बी रैंडम, ग्रोथ कैन बी पर्पसफुल, लेट मी समराइज दैट। लीडर्स ग्रो तो उनको बताता है ग्रोथ तो होनी होनी, रैंडम होगी या पर्पसफुल होगी, तो ट्रैक्टर के पीछे नहीं दौड़ के, दे लीडर्स आर पर्पसफुल। अच्छा, वंस दे आर पर्पसफुल दे टेक सेवरल डिसीजंस ऑन दैट, दे कैन बी राइट, दे कैन बी रॉन्ग, बट दे आर नेवर कंफ्यूज, दे कैन बी स्लो बट दे अंडरस्टैंड कंफ्यूज वॉकिंग, कंफ्यूज रनिंग इज वर्स देन कॉन्फिडेंट वॉकिंग। तो उनको बताता है लोगों को साथ लेके चलना है। अच्छा, लोगों को जो साथ लेके चलना है, दे कनेक्ट फर्स्ट करेक्ट लेटर। फिर भी कई लोग ऐसे मिलते हैं जिनके साथ इनकी कनेक्ट जल्दी नहीं हो पाती, सो दे अंडरस्टैंड दिस पीपल आर नॉट डिफिकल्ट, दे मे टेक मोर टाइम, आई मे टेक मोर टाइम, सो दिस पीपल आर डिफरेंट। उसके बाद भी कोई गलती करता है जो हर जगह होती है, दे अंडरस्टैंड दिस ऑल पीपल आर वर्क इन प्रोग्रेस, समबडी मे ब्लॉसम इन अ 1 month, समबडी मे ब्लॉसम इन अ कपल ऑफ इयर्स, बट आई नीड टू अंडरस्टैंड दिस ऑल पीपल आर वर्क इन प्रोग्रेस। और लीडर्स को ये भी पता होता है कि लोगों को या तो मैं बेटर बनाऊंगा या तो मैं बेटर बनाऊंगा। सो एक लीडर के पास अगर ये समझ आ जाता है, लीडर्स आर पर्पसफुल, लीडर्स आर ग्रोथ ओरिएंटेड, लीडर्स एक्सेप्ट चेंज, लीडर्स कनेक्ट, दे फील दैट पीपल आर डिफरेंट एंड दे ट्रीट एवरीबडी एज वर्क इन प्रोग्रेस विदाउट बीइंग जजमेंट। तो ये चीजें आप और मैं फैमिली से ही शुरू कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शुरू कर सकते हैं। सो बाय द टाइम यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू लीड,
anything in corporate world, lead your own life also today, these things will help. So thank you very much for patient hearing. Sir, you said obedience doesn't make a good decision maker. May not. Yeah. Sir, if obedience is the trait, it would not have been there, how would the people connect? Yes, good question. See, obedience is not a hindrance to decision making, but obedience put us in a comfort zone. मुझे अगर किसी को obedient ही करना है, obey करना है, मैं कहूँगा आप जो बताओगे मैं करूँगा. So that I am preventing myself from thinking hard. मुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो comfort zone में जाऊँगा. ये नहीं कि मैं decision नहीं ले पाऊँगा. मैं अगर decision लूँगा, so I'll have some apprehension. Yes or no? I may go right, I may go wrong, I may be approved, I may not be approved. लेकिन obedience में I have somebody to blame. आप देखोगे 6 साल 8 साल का बच्चा हो ना घर पे, कोई कजिन वजन हो, आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखना 100%. आप उसको जाके बताओ कि बेटा कोई ना ड्राइंग बना के लाओ, 99% जो बच्चा होगा पूछेगा आपसे कि भैया क्या बना के लाओ. एनिमल बनाओ, बर्ड्स बनाओ, माउंटेन बनाओ, आपको तुझे जो अच्छा लगता है बना के लाओ. कह रही फिर भी बता दो क्या बनाऊ मैं, फ्रूट्स बनाऊ, ह्यूमन फिगर बनाऊ. क्योंकि उसको पता है ये अभी तो कह रहा है जो बना के लाओ, जो बना के लाऊंगा ना इसके नखरे शुरू होंगे. सो दैट इज द गेटिंग आउट ऑफ कंफर्ट जोन. इफ अ पर्सन इज रेडी टू फेस रिजेक्शन, इवन इफ इज ओबीडिएंट, ही कैन टेक सम डिसीजन. थैंक यू. कुछ कुछ आई कैन हियर यू. I think when you express, right people will like you. मतलब दुनिया जितनी है ना, आप और मैं दुनिया के लिए नहीं जी रहे, हम अपनी दुनिया में जी रहे हैं. यह सुनो, आप और मेरी एक अपनी दुनिया है. जैसे कोई आके कहे आपको कि टेक्नोलॉजी इज एक्सपैंडिंग लाइक एनीथिंग, फॉर मी टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? ऑल द गैजेट्स और गेम्स दैट आई हैव. यस ओके, इफ आई एम अडेप्ट ऑन ऑल दिस, मुझे पता है कैसे कैसे मेरी जो टेक्नोलॉजी है, द लैपटॉप आई यूज, द गेम्स आई यूज, द सॉफ्टवेयर दैट आई यूज, उतनी मुझे प्रोफिशिएंसी हो आई कैन लीव. यस ओके, अपनी दुनिया का मतलब है यू नीड टू स्टे विथ हैंडफुल ऑफ पीपल. यस ओके, वो अगर आपको लाइक करे ना अच्छा है. कॉन्ट्ररी क्या होता है जो आपका सवाल है, कई बार मैं एक्सप्रेस करूंगा कुछ लोग मुझे लाइक नहीं करेंगे, मैं उनके लिए बदल जाऊंगा, फिर कुछ और लोगों में मुझे लाइक करेंगे. दे मे नॉट बी राइट पीपल फॉर मी बिकॉज आई कैन नॉट गिव माई 100% इनटू दैट. सो इट इज बेटर थोड़ी पेशेंस के साथ कि जो आप हैं उसी हिसाब से एक्सप्रेस करें, यू विल अट्रैक्ट राइट पीपल. इट मे टेक सम लॉन्ग टाइम. मुझे याद है पंडित हरिप्रसाद चौरासिया से एक बार मिला था बड़े साल पहले. नाम सुना है ना पंडित हरिप्रसाद चौरासिया? 1940 में कोई इंसान सोचे कि मैं बांसुरी बजा के अपने घर चला लूंगा फाइनेंशियली, दैट वॉज अ डिफिकल्ट डिसीजन. यस सर, मे बी ही अट्रैक्टेड राइट पीपल, इट माइट हैव टेकन हिम लॉन्ग टाइम, बट कई बार वो करेक्ट चाहिए थी एंड यू फील गुड. अच्छा, वंस यू फील बेटर यू कैन परफॉर्म बेटर, राइट पीपल विल लाइक यू. ये अच्छी बात है. जो लोग कहते हैं ना अननेसेसरी मैं बदल जाऊंगा, मैं आपके लिए सब कुछ कर जाऊंगा, ये मतलब ठीक है, होता नहीं है ये उतना नहीं होता. कितना कर लोगे आप? और आप भी ये प्रॉमिस इसीलिए कर रहे हो बिकॉज यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग इन रिटर्न. यस सर. अच्छा, व्हेन यू वोंट गेट दोस थिंग्स इन रिटर्न, आप को ये गलत इंसान के लिए सैक्रिफाइस कर दिया. सो दैट इज अगेन ए पेन पॉइंट. इट इज बेटर टू डू थिंग्स फॉर राइट पीपल, दैट्स बेटर. सो गुड क्वेश्चन. ऊपर वाले हैं ये, और भी ले लेंगे. यहाँ भी हो सकता है, यहाँ पे तो यू ऑल आर लीडर्स. बिलीव मी आई नेवर एक्सपेक्टेड कि ये बच्चे इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. एंड द काइंड ऑफ एक्सपोजर दैट वी आर गेटिंग इज वेरी वेरी गुड. यू आर आस्किंग समथिंग, तो बहुत अच्छी बात है. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर.